हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। सॉरी मेरा आवाज़ थोड़ा डाउन लग रहा होगा, तो थोड़ा जुकाम हो गया मेरे को गणपति में चिल्ला चिल्ला के। लास्ट वीक हमने मिस्टर घनश्याम की 920 स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट किया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स है उस वीडियो पे आप सबका। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का जरूर चेकआउट करना। सो टुडेज वीडियो विल बी एन अनदर टेस्टिंग वीडियो ऑफ अवर क्रिप्टो स्ट्रैटेजी सीरीज विच इज स्पॉन्सर्ड बाई डेल्टा एक्सचेंज, वेर वी सी पॉपुलर क्रिप्टो स्ट्रैटेजीज एंड बैक टेस्ट दो स्ट्रैटेजीज एंड कैलकुलेट द रियल विन रेट। अगर आपको नहीं पता, डेल्टा एक्सचेंज उन कुछ ग्लोबल एक्सचेंजेस में से एक है जहां आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग के साथ साथ फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज में आपको 100x तक लेवरेज मिलता है, जिसका यूज करके आप ऑप्शन सेलिंग, शॉर्ट शैडल एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी ऑप्शन स्ट्रेटजीज इजीली कर सकते हो, जिसके लिए इंडियन मार्केट में आपको ह्यूज कैपिटल लगता है। वो भी आप इजीली यहाँ पर कम मार्जिन के साथ ट्रेड कर सकते हो। अगर आपने अब तक अकाउंट नहीं खोला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने वो लिंक से अकाउंट ओपन किया तो आपको 6 मंथ तक ट्रेडिंग फीस पे 10% ऑफ मिल जाएगा। तो वेट क्या कर रहे हो, जल्दी अकाउंट बनाओ और क्रिप्टो में अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर दो। सो इन दिस वीडियो वी विल सी अ न्यू क्रिप्टो स्ट्रेटजी। क्रेडिट फॉर द स्ट्रेटजी गोज टू क्रिप्टो अमन, हु हैज अ यूट्यूब चैनल विद ओवर 350K सब्सक्राइबर्स। आप उनका चैनल देख सकते हो स्क्रीन पे। जब तक ये वीडियो आएगा तब तक हम शायद 10K सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए रहेंगे। और अगर अब तक नहीं हुआ है और आपने भी हमको सब्सक्राइब नहीं किया और आपको कंटेंट भी अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो सब्सक्राइब। सो टुडे वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अनदर फेमस स्ट्रेटजी कॉल्ड एज SSL प्लस 20 EMA स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय क्रिप्टो अमन। स्क्रीन पे आप ये वीडियो देख सकते हो। नाम से जैसे आपको समझ रहा होगा, इसमें हम 2 इंडिकेटर यूज करेंगे, SSL और EMA। EMA तो सबको अब पता ही है, बट अगर आप SSL की बात करें तो SSL स्टैंड फॉर सेमाफोर सिग्नल लेवल्स। इसमें हम 2 मूविंग एवरेज यूज करते हैं ताकि हमें विजुअली इंडिकेशन मिले प्राइस के डायनामिक मूवमेंट्स का। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं जहां हम SSL चैनल प्लस 20 EMA स्ट्रेटजी को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे BTC USDT में और चेक करेंगे कि ये कैसे काम करता है। So hi everyone, this is Pranit from Trader Insight. Let's start the video. सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे। इधर ऊपर लेफ्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ राइट साइड में ऑल सोर्स पे क्लिक करके ऊपर डेल्टा सर्च करेंगे। फिर ये डेल्टा आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। अब वापस ऊपर BTC USDT सर्च करेंगे तो आपको डेल्टा एक्सचेंज की ये सब मिल जाएंगे स्क्रिप्ट्स। इसमें हम BTC USDT.P सिलेक्ट करेंगे। ये P मतलब परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी टाइम फ्रेम को हम 5 मिनट्स कर देंगे। अभी इसके बाद इंडिकेटर्स में जाएंगे और SSL सर्च करेंगे और ये एरविन बेकर्स वाला इंडिकेटर आएगा, उसे हम ऐड करेंगे चार्ट पे। इसका सेटिंग्स और डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे विच इज़ 10 और 10। अब इसके बाद हम वापस इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और EMA सर्च करेंगे तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। इसको हम चार्ट पे ऐड कर देंगे। इसका सेटिंग्स ओपन करेंगे और लेंथ को 20 कर देंगे और स्टाइल में जाके कलर को येलो कर देंगे और थिकनेस बढ़ा देंगे। चलिए अब रूल्स देखते हैं। रूल्स फॉर बाय कंडीशन, SSL ग्रीन लाइन शुड क्रॉस एंड गो अबाउ द रेड लाइन। आफ्टर द क्रॉस ओवर 2 कैंडल्स शुड बी ग्रीन। मतलब जैसे ये क्रॉस ओवर हो जाएगा ना तो 2 कंटिन्यूस कैंडल ग्रीन होने चाहिए। द सेकेंड कैंडल बॉडी शुड बी अबाउट 20 EMA और एटलीस्ट 80% बॉडी शुड बी अबाउट 20 EMA। जो फर्स्ट कैंडल रिवर्सल कैंडल होता है उनके हिसाब से, जो सेकेंड कैंडल है वो कन्फर्मेशन कैंडल होता है। सो ये जो कन्फर्मेशन कैंडल है वो 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, और अगर समझो कि 20 EMA को टच भी कर रहा है तो 80% बॉडी ऊपर होना चाहिए। अभी उन्होंने इसमें एक और पॉइंट ऐड करने बोला था कि इससे इस स्ट्रैटेजी का गारंटी बढ़ जाता है, तो हम उसे भी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करेंगे। दैट इज़ 4th रूल, 20 EMA शुड बी बिलो और क्लोज टू द ग्रीन लाइन। ये 20 EMA का लाइन जो है ये ग्रीन लाइन के नीचे होना चाहिए या फिर ये ग्रीन लाइन के पास होना चाहिए तो भी चलेगा। एंट्री वुड बी ओपन प्राइस ऑफ द 3rd कैंडल। इसमें स्टॉप लॉस ट्रेलिंग है सो स्टॉप लॉस वुड बी 20 EMA। और टारगेट जैसे ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा आपको एग्जिट कर लेना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यह देखिए, ग्रीन नीचे से रेल को क्रॉसओवर करके ऊपर गया है और इसके बाद कंटिन्यूस 2 कैंडल भी ग्रीन है और यहाँ पर येलो लाइन भी ग्रीन के नीचे है। सो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस 20 EMA रखेंगे और टारगेट यहाँ देखिए, यहाँ जैसे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ वहाँ पर हमारा टारगेट हिट होता है। सो दिस एग्जाम्पल वॉज अ विन।
चलिए अब सेल के रूल्स देखते हैं। टेक्निकली सेल के रूल्स उन्होंने बताया नहीं है, बट हम बाय के रूल्स को उल्टा करके ही कंसीडर करते हैं। इसके सेल के रूल्स वो RSI के साथ यूज कैसे करना है वो बताएंगे करके बोला था, बट वो सेकंड वीडियो देखा तो उसमें सेल के बारे में कुछ नहीं बताया, और RSI के बारे में जो भी बताया वो मैं कवर ना करूँ तो ही बेटर है। चलिए रूल्स फॉर सेल कंडीशन देखते हैं। SSL रेड लाइन शुड क्रॉस एंड गो अबव द ग्रीन लाइन, आफ्टर क्रॉस ओवर 2 कैंडल शुड बी रेड, फिर सेकेंड कैंडल बॉडी should be below 20 EMA, और at least 80% of the body should be below 20 EMA, फिर 20 EMA should be above और close to the green, ये भी green के close है। Entry would be open price of the third candle, इसमें भी stop loss trailing है तो stop loss would be 20 EMA, और target जैसे ही आपका trailing stop loss hit होता है आपको निकल जाना है। चलिए इसका भी example देखते हैं। यहाँ देखिए ये रेड नीचे से ग्रीन को क्रॉसओवर करके ऊपर गया है और दो कैंडल भी कंटिन्यूस रेड है, और यहाँ पर ये येलो लाइन भी ग्रीन लाइन के ऊपर है और रेड लाइन के नीचे है। सो हम नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस 20 EMA रखेंगे, और टारगेट यहाँ देखिए जैसे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमारा टारगेट भी हिट हो गया। सो दिस एग्जाम्पल वॉज ऑल्सो अ विन। चलिए आई होप स्ट्रैटेजी क्लियर है। तो इस स्ट्रैटेजी को टोटल 100 times टेस्ट करेंगे और इसका असली विन रेट चेक करेंगे। I'll let you know the full result after the test. So the tests are over. जैसे आप देख सकते हो total number of trade was 100. उसमें से सिर्फ 26 are win and 74 was loss. So win rate हुआ सिर्फ 26%. Total gain in account was 17.67%, which is surprisingly good for such a low win rate. और max drawdown is -9.13%. Continuous win in a row is just 2. And continuous lose in a row is 15. Total duration of the test was 0.362 months. जैसे आप देख सकते हो strategy is technically profitable. 17.67% gain in 0.362 months is good. और drawdown भी -9.13% है. But still, I personally would not use this strategy. Reason यही है कि 100 trade में से अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ 10 trades है जिसके वजह से ही आपको ये 17.67% gain आया है। रिमेनिंग बाकी सब में लॉस ही हुआ है, और ये हम 24 hours पे बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मेजर चांस में कि आप वो ट्रेड ना ही ले पाओ। कुछ लोगों को डेल्टा एक्सचेंज में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है उनके बारे में डाउट्स था, वो भी हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो में। बहुत लोगों का डाउट ये होता है तो यहाँ पर ये जो राइट साइड में टॉपअप है वो क्या होता है। लेट्स से एक एग्जाम्पल है जहाँ आपने एक सेल पोजिशन लिया है विच इज़ अराउंड 38,000 और लेवरेज इज 10x, और उसका मार्जिन जो यूज़ हो रहा है वो $40 है और आपके वॉलेट में टोटल $50 है। लेट्स से हमारे बहुत सारे दोस्त जैसे अपना स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, वैसे ही नहीं लगाए इस ट्रेड में और प्राइस ऊपर चला गया। अभी प्राइस 38,000 से 41,000 तक गया, सिंस आपने 10x का मार्जिन लिया है उसके वजह से आपको टोटल लॉस आपके पोर्टफोलियो में $40 दिख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाएगा और आप लॉस बुक करके निकल जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये क्यों होगा, आपका पूरा का $40 इरोड हो गया। इसलिए अगर आपने टॉप अप ऑप्शन अनेबल किया होता तो जितना आपके अकाउंट में पैसा है उतना पूरा यूज़ होने के बाद ही वो ट्रेड से एग्जिट हो जाएगा। इन सिंपल टर्म, जब तक आपका ये $50 पूरा कंज्यूम ना होता नहीं होता है तब तक आपका ट्रेड एग्जिट नहीं होगा। लेट्स से 41,000 पे आपका लॉस $40 था तो अराउंड 42,000 तक जाएगा, इतना ही है और कुछ उसका कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। ये एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जिनको इसको सही से यूज़ करना आता है। और एक क्वेश्चन था लोगों का कि बास्केट ऑर्डर्स क्या होता है, दैट इज़ ऑल्सो गुड क्वेश्चन। बास्केट ऑर्डर्स बेसिकली आपको मल्टीपल ऑर्डर्स ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को जब आप साथ में एग्जीक्यूट करते हो ना उसे बास्केट ऑर्डर्स बोलते हैं। जब आप बास्केट ऑर्डर यूज़ करते हो तो आपका मार्जिन भी पूरा बास्केट को एक सिंगल क्वांटिटी के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाता है। ड्यू टू दिस अगर आपके बास्केट में ऑफसेटिंग ऑर्डर्स हो तो आपको मार्जिन भी लोअर लग सकता है कंपेयर टू कि आप अलग अलग प्लेस करो। जैसे बहुत सारे लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है कि कोई फ्यूचर्स बाई करेगा तो कॉल ऑप्शन ATM का कॉल ऑप्शन सेल करेगा या फिर ATM के कॉल ऑप्शंस बाई करेगा ऐसे एक्सेट्रा, तो इसको वो एक ही बास्केट में ऐड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन जो लोगों को था कि ये आइसोलेटेड और पोर्टफोलियो में फ़र्क क्या है। लेट्स से आपने एक हेजिंग किया है, एक में फ्यूचर्स लिया है और दूसरे में ऑप्शंस लिया है। लेट्स से आपको फ्यूचर्स ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन भी लॉस में जाएगा क्योंकि एक हेजिंग पोजिशन है। अगर आपने ये आइसोलेटेड में रखा होता तो जैसे ही आपका ऑप्शन में लॉस आपके मार्जिन से इक्वल हो जाएगा तो ये आपका ऑप्शन वाला चीज़ लिक्विडेट हो जाएगा।
वो ये कंसीडर नहीं करेंगे कि आपके अकाउंट में कितना मार्जिन है या फिर कितने प्रॉफिट में हो, वो सिर्फ ये ऑप्शंस को एज ए इंडिविजुअल कंसीडर करेगा। वेर एज अगर आपने पोर्टफोलियो मार्जिन अनेबल किया रहता तो ये पोजिशन लिक्विडेट नहीं होता और मार्जिन कम्बाइंड यूज़ होता है। आई होप आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। और अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो और आपको 6 मंथ्स के लिए ट्रेडिंग फीस पे 10% ऑफ मिल जाएगा। एज ऑलवेज जैसे मैं बोलता हूँ, आपको सीधा मेरी बात या किसी की बात ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हर स्ट्रेटेजी को पहले खुद टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है। आई लाइट दिस स्ट्रेटेजी इन द गूगल शीट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड दिस टेक्स द सेकंड पोजीशन इन द लिस्ट। यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और रिवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी यू लाइक। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन, एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको UPI ID स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अगर आपको ये वाली बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है ये बैक टेस्टिंग शीट अपने चैनल पे, एक वीडियो सजेस्ट हो रहा होगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये वाला, आप वो ज़रूर देखना, आपको मिल जाएगा। प्लीज़ कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज़ में, ये भी ज़रूर बताना। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरी स्ट्रेटेजीज़ के वीडियोज़ भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। Please follow us and show your support. More awesome contents are on the way. So see you next time.